नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर दहिया फिजियोथेरेपी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एडी में होने वाले दर्द के बारे में। दोस्तों, बहुत से लोग कहते हैं कि हम जब सुबह उठते हैं तो एडी फर्श पे नहीं लगती, एडी में बहुत पेन रहता है और उसके लिए हमने बहुत कुछ ट्राई कर लिया लेकिन वो एडी का दर्द जा नहीं रहा। दर्द के साथ साथ दोस्तों क्या होता है कि जब एडी फर्श पे लगती है तो बड़ी झंझनाहट महसूस होती है, सेंसेशन बढ़ जाती है काफ़ी एडी में और उससे चलने में काफ़ी दिक्कत भी आती है। तो ये सारी दिक्कतें एडी में होती हैं, उसके कई कारण हो सकते हैं दोस्तों। जैसे पैर के अंदर, पैर के नीचे जो प्लांटर फेशिया होता है उसमें स्वेलिंग होने की वजह से भी ये दिक्कत हो सकती है। काफ मसल में भी कोई अगर दिक्कत होती है उसकी वजह से भी ये हो सकता है, एसएलएस टेंडन की वजह से भी हो सकता है। तो ये सारी बातें हैं जिनकी वजह से जो दर्द है जो एडी में वो हो सकता है, एडी परेशान कर सकती है। तो दोस्तों, इसके लिए आपने क्या करना है, आपने किसी अच्छे ऑर्थोपेडिशियन से मिलना है या किसी फिजियोथेरेपिस्ट से मिलना है, फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट करवाना है जिससे आपका जो एडी का दर्द है वो काफ़ी हद तक ठीक हो जाएगा। लेकिन जब तक आप फिजियोथेरेपिस्ट या किसी ऑर्थोपेडिशियन के पास नहीं पहुंचते तब तक के लिए मैं आपको एक ट्रीटमेंट बता देता हूं जो घरेलू नुस्खा भी रहेगा जो आपको बहुत फ़ायदा देगा। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती हो जाए। तो दोस्तों, आज मैं बात कर रहा हूँ एडी में दर्द के बारे में, तो उसके लिए एक कारगर एक नुस्खा है जिसे हम कॉन्ट्रास्ट बाथ कहते हैं। कॉन्ट्रास्ट बाथ में क्या करना होता है उसमें मैं अभी आपको बताता हूँ और कॉन्ट्रास्ट बाथ आपके लिए किस तरीके से बेनिफिशियल है और किस तरीके से आपने उसको अप्लाई करना है वो अभी आप देखते हैं। तो दोस्तों, कॉन्ट्रास्ट बाथ के लिए आपने क्या करना है, शुरू में आपने सबसे पहले दो बर्तन लेने हैं। जैसे ये मैंने एक पेपर पर लिख के रख रखा है, एक में गर्म और वार्म है, दूसरे में ठंडा कोल्ड है। ये पेपर पे जो मैंने लिखा है ये मैंने दो बकेट बनाई है जिसमें हमने बकेट के अंदर पानी लिया है, एक में गर्म पानी लेंगे एक में ठंडा पानी लेंगे। तो दोस्तों, ये जो गर्म पानी है ये जो ठंडे पानी के बकेट हैं, हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले अपना पानी गर्म पानी का जो बकेट है उसमें अपने पैर को रखना है और उसको वहाँ पर एक मिनट के लिए छोड़ देना है। एक मिनट छोड़ने के बाद उसके बाद हमने पैर को निकालना है गर्म पानी के बकेट से और फिर उसके बाद ठंडे पानी के बकेट में ले जाना है और वैसे ही एक मिनट ठंडे पानी के बकेट में हमने पैर को रखना है, एडी को दबा के रखना है पानी के अंदर, ठंडे पानी के अंदर। उसके बाद फिर वही सेम, उसके बाद गर्म पानी के बकेट में हमने पैर को ले आना है और गर्म पानी के बकेट के अंदर हमने पैर को एक मिनट के लिए रखना है। तो दोस्तों, ये हमने 10 से 15 टर्न करने हैं। 10-15 बार यानी कि गर्म पानी के बकेट में हमने पैर रखना है और 10-15 बार ठंडे पानी के बकेट में पैर रखना है। तो ऐसे हमने ये 10-15 बार करना है और दिन में दो बार करना है जिससे हमें बहुत अच्छी हेल्प मिलेगी हमारे एडी दर्द के, एडी दर्द से हमें निजात पाने के लिए। तो दोस्तों, ये है कॉन्ट्रास्ट बात। और अब मैं इसके साथ अभी आपको एक एक्सरसाइज और बता रहा हूँ जो एक्सरसाइज बहुत बेनिफिशियल रहेगी हमारे प्लांटर फेशिया और काफ मसल की स्ट्रेचिंग के लिए और वो आपको काफ़ी ठीक भी करेगी आपके पेन को। तो आइए दोस्तों देखते हैं एक्सरसाइज। तो दोस्तों, प्लांटर फेशिया की स्ट्रेचिंग और काफ मसल की स्ट्रेचिंग के लिए हमने क्या करना है, हमने एक किसी स्टूल पे बैठ जाना है और स्टूल पे बैठने के बाद हमने क्या करना है कि एक टावल लेना है। टावल लेने के बाद टावल को हमने फोल्ड करके रख लेना है नीचे और उस पर हमने पैर की जो उंगलियां हैं उसको हमने रखना है टावल के ऊपर। रखने के बाद हमने उंगलियां हैं जो वज़न उंगलियों पे देना है और एडी को उठाने की कोशिश करनी है। उठाने के बाद हमने उसको होल्ड रखना है और 10 सेकंड के लिए होल्ड रखना है। जैसे हमने 10 गिनने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, और 10 गिनने के बाद फिर हमने इसको ईज़िली इसको धीरे धीरे नीचे छोड़ देना है। उसके बाद फिर हमने क्या करना है, दोबारा से
वही ऐसे ही पैर को बिल्कुल हमने उठाना है, पंजे पे ऊपर दबा दे के हड्डी को उठाने की कोशिश करनी है और ज़ोर से हमने इसको ऐसे ही दबा के रखना है। उससे आप महसूस करोगे कि काफ की जो मसल्स हैं और या प्लांटर फेशिया है वो काफ़ी स्ट्रेच हो रहा है, खींच रहा है, और उससे हेल्प मिलेगी कि जो आपके एडी में दर्द है, आपको पैर में दर्द महसूस होता है, वो काफ़ी रिलीफ आप फील करोगे। तो दोस्तों एक एक्सरसाइज ये है, उसके बाद मैं बता रहा हूँ दोस्तों आपको दूसरी एक्सरसाइज। तो दोस्तों दूसरे एक्सरसाइज में आपने क्या करना है, कपड़ा लेना है, कपड़े को अपने पैरों की उंगलियां हैं जो पैर की उसके ऊपर रख के उसको ज़ोर से दोनों हाथों से आपने खींचना है, कपड़े को खींच के रखोगे और 10 सेकंड होल्ड करोगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 होल्ड करने के बाद फिर उसको नीचे छोड़ देना है। इसमें आपको दोस्तों महसूस होगा कि आपके जो पैर की या आपके टांग की जो मसल्स हैं वो काफ़ी अच्छी स्ट्रेच होंगी और उसको ऐसे होल्ड करने के बाद आपने फिर छोड़ देना है दोस्तों। तो ये स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज आपने 10 बार करनी है और 10 बार करने के बाद फिर इसको आपने छोड़ देना है। तो दोस्तों अभी आपने देखा, हमने बताया आपको कि कॉन्ट्रास्ट बाथ कैसे करना है और कॉन्ट्रास्ट बाथ के बाद आपने जो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज हैं वो कैसे करनी है। तो दोस्तों ये आपके लिए हमने प्राइमरी ट्रीटमेंट बताया है, आपकी एडी में अगर दर्द है तो आप ये प्राइमरी ट्रीटमेंट कर सकते हो, लेकिन आप किसी ऑर्थोपेडिशियन या फिर किसी फिजियोथेरेपिस्ट से भी मिल सकते हैं ताकि आपकी परेशानी ख़त्म हो जाए। और अभी मैं आपको एक बात यहाँ और बता देना चाहता हूँ दोस्तों कि एडी का दर्द कई कारणों के कारण हो सकता है। अगर कोई और रीज़न है जिसकी वजह से एडी का दर्द है तो हो सकता है कि ये जो हमने आपको ट्रिक बताई है ये ट्रिक आपके लिए कामयाब ना हो। तो दोस्तों बने रहें आप हमारे चैनल पे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आती रहे और हम आपको बताते रहेंगे होने वाली बीमारियां या फिजियोथेरेपी से आप उनसे कैसे निजात पा सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।